हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आप सभी का फिर से महेश सर के काउंट की दुनिया में स्वागत है। आज आपके लिए महेश सर लेकर आए हैं काउंट में न्यू टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिलों का लेखा, बिल संबंधी लेन देन का क्या लेखा। तो चलिए आज करते हैं क्लियर इसकी थ्योरी क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा, जिससे आपके पास महेश सर की इंटरटेनिंग स्टडी की वीडियो क्या होती रहे, पहुंचती रहे। चलो करते हैं आज क्लियर क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो नाम में लिखा हुआ है बिलों का एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? बिलों का एक्सचेंज। अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दें तो एक तरफ बिल आता है, दूसरे तरफ आएगा आपका एक्सचेंज। तो अगर हम इसको अलग अलग समझें तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल क्या है? बिल एक कागजी मुद्रा है, यानी कि स्टैम्प पेपर है, जिस पर किसी व्यक्ति ने क्या किया होता है, प्रॉमिस किया होता है कि हम आपको कुछ समय बाद क्या करेंगे, कैश का पेमेंट करेंगे। तो इसको और क्लियर करने के लिए अभी हम आपके सामने एक समझाएंगे छोटी सी स्टोरी, जिसको आप पूरा जरूर देखिए इस वीडियो को। इस स्टोरी से पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैम्प पेपर क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। और एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली। एक्सचेंज मतलब क्या बाबू? अदला बदली, यानी वस्तुओं से वस्तुओं को बदलना, या रुपए से वस्तुओं को बदलना, कोई चीज देकर कोई चीज लेना ही क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। अक्सर आपने शादी विवाह में देखा होगा, एक बड़ा अच्छा मोमेंट चलता है, मेरे साथ भी चला था। शादी जब हो जाती है, सुबह जीजा और साली का एक नोकझोंक चलता है, और नोकझोंक किस पर होता है? जूते पर, जीजा के यानी पहुना के जूता पर। तो पहुना के जूता को सारे लोग क्या कहते हैं कि पैसा दो जूता लो। जीजा के यानी उनके जीजा के दोस्त क्या कहते हैं? जूता दो पैसा लो, यानी पैसे दो जूते लो, जूते दो पैसे लो। यहां जूते दो पैसे लो, ये आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या है ये? इसमें तो सिर्फ मेरी भावना है। सीधा सीधा बोल, कितने है ये? यानी यहां पे किसका एक्सचेंज हो रहा है? पैसा देकर जूते का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को कहते हैं एक्सचेंज। ये गाना बड़ा फेमस हुआ था, जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो। दूल्हे की सालियो, अरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो। अच्छा यार, मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है, आप लोगों ने विशेष ध्यान दिया होगा यार, अपनी वाली से छोटी वाली कुछ ज्यादा सुंदर नहीं लगती है? यानी साली, अपनी वाली से हमेशा सबको छोटी वाली ज्यादा सुंदर लगती है कि नहीं? पर हाँ, जो जो मेरे बात से सहमत हो यार, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक और चीज, अगर एक्सचेंज करने का मौका मिले तो कितने लोग करेंगे एक्सचेंज? समझ रहे ना क्या एक्सचेंज करना, यानी बड़की से छोटकी को कितने लोग करेंगे एक्सचेंज? तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। यानी यहां से थ्योरी क्या मिलती है, एक्सचेंज मतलब होता है वस्तुओं को देकर दूसरी अच्छी सुंदर वस्तु को क्या करना, लेकर आना ही कहलाता है एक्सचेंज। चलो और इसके बाद जानते हैं, तो बिल और एक्सचेंज आप समझ गए। अब बिल में कुल कितने साइड होते हैं? बिल के कुल तीन साइड होते हैं, यानी तीन साइडर बिल होता है। देखो, एक होता है ड्रावर, दूसरा होता है ड्रावी, और तीसरा होता है पेई। यानी ड्रावर, ड्रावी, पे, ये क्या होता है, कैसे जाने? तो जिसको हम लोग जानते हैं छोटी सी थ्योरी के साथ। तो वो थ्योरी क्या है, देखो, अब मान लो दो पर्सन है, एक है राम, ठीक है, ये स्मार्ट सा राम है, देखिए कहां देख रहे हो भाई, और एक है मोहन। मोहन राम को देख रहा, राम पता नहीं किसको देख रहा है, ये है मोहन। तो मोहन है क्रेता, यानी क्रेता मतलब होता है बायर, ठीक है। आराम है सेलर, यानी विक्रेता। अब देखो, हर क्रेता को विक्रेता की क्या होती है, जरूरत होती है, और हर समय क्रेता के जेब में पैसा हो, ये संभव नहीं होता है। तो यहीं से जन्म होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। कैसे, देखिए, अब मान लीजिए क्रेता आया किसके पास, विक्रेता के पास, और कहता है कि सर हमको कुछ सामान चाहिए। तो
तो राम कहते हैं क्या चाहिए, तो देखो मोहन कह रहा है 10 बोरा चावल, 10 बोरा चीनी, 10 बोरा मैदा, 10 बोरा आटा, 10 बोरा दाल, 10 बोरा हई, 10 बोरा हो, 10 बोरा फलाने ढमाके, दुनिया भर का सामान गिना देता है। तो राम को दिख रहा है यार ये तो 2 लाख का कस्टमर आ गया। राम के चेहरे भाई बड़ी सी ऐसी, राम खुश है कि मेरे सामने 2 लाख का क्या आ गया है, कस्टमर आ गया है। पर कस्टमर कौन सा कष्ट लेकर आया है ये राम को भी पता नहीं। अभी कुछ देर बाद पता चलेगा राम को कि ये पहुना ताइल बटे उधार लेवे। देखो ये पहले नहीं अपना ये पत्ता नहीं खोलता उधार वाला, तो राम से कहकर माल निकलवा लेता और कहता है भैया गाड़ी पे लोड करा दीजिए। तो राम भी बाबू पूरा हुब में कहते हैं अपने चेला से हे गजोदर कुल माल लाद देते। तो ये बहु गजोदरवा बड़ी तेज है, देखे गजोदरवा को बहुत तेज आदमी है काके काना बा। तो कुल ही मलवा क्या करता है लाद देता है, पूरा लाद दिया माल, माल एकदम रेडी, गाड़ी स्टार घुर घुर धुआं फेंक रही है। तो मोहन कहता है अच्छा भैया मलिया लदा गए? तो राम जी कहते हैं हाँ बाबू मलिया लदा गए। तो मोहन कह रहा ठीक है तो भैया हम चली, अच्छा टाटा। तो राम कहते हैं टाटा कैसन टाटा हो ए मर्दे, पहले रुपया बाटा, यानी पहले रुपया दीजिए फिर टाटा, यानी फिर गो पहले मनी ऑन वे, पहले मनी दीजिए फिर माल लेकर जाइए। तब कहता है मोहन मुँह लटका के राम जी कृपा बरसाई हमारे पास पैसा नहीं है, ये माल मुझको उधार चाहिए। राम जी बाबू सन ये उधार, अभी 2 लाख का माल उधार लेके भाग गया तब है उतार गजोदर कुल मलिया गजोदरों कुल मलिया उतार देता, बहुत तेज है माल चढ़ाता है बहुत तेज उतारता है, सारा माल उतर गया ट्रक पर से। अब क्या होगा? तो मोहन कहता है भैया नहीं भैया माल दे दीजिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 2 महीने के बाद पैसा दे देंगे। राम कहते हैं तुम नहीं दिए भाग गए तब। तो मोहन कहता कहीं लिखवा लीजिए। राम जी कहते बस यही तो हम चाह रहे थे तुम लिखो, चलो एक हम स्टैम्प पेपर मंगाते हैं उस स्टैम्प पेपर पर लिखो। तो फिर राम जी सोचते अगर ये लिखेगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना लिख दे, कहीं 2 लाख में जीरो गायब कर दिया तब। तो राम जी कहते नहीं रहे थे हम लिखब, यानी राम जी लिखते हैं कि मोहन ने मुझसे 2 लाख का माल लिया जो कि वो कहता है कि 2 महीने के बाद मुझको पैसा देगा। इस पर्चे को किसने लिखा, इस कागज को राम जी ने लिखा। तो जिस कागज को राम जी लिख रहे हैं यही कागज क्या कहलाता है, बिल कहलाता। तो आप समझ गए बिल क्या है, कि स्टैम्प पेपर जिस पर माल का पूरा विवरण लिखा जाता है, जिस पर दूसरा पक्ष कहता है कि हम आपको इस समय पैसा क्या करेंगे देंगे। तो देखो जो बिल लिखता है वही कहलाता है ड्रावर, यानी ड्रावर कौन जो बिल को क्या करता है लिखता है, यानी लेखक विक्रेता या लेनदार या आहारता भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आहारता। तो ड्रावर वो व्यक्ति है जो बिल को क्या करता है लिखता है। अब मोहन सब पढ़ लेता है, हाँ भैया कुल समनवा कहल है बढ़िया बढ़िया लिखल बा, हाँ कहीं देख ली कुछ गड़बड़ तरह निकल बा, हाँ 2 लाख के माल है फलां में ठीक है, हाँ राम जी तो आप बहुत सही लिखे हैं। तो अब मोहन जो है उस बिल पर क्या मार देगा, अपना सिग्नेचर। देखिए एकदम शानदार धचाक से सिग्नेचर मार दिया। तो जो सिग्नेचर मारा वो कहलाता है ड्रावी, क्यों, क्योंकि उसने बिल को क्या कर लिया स्वीकार कर लिया एक्सेप्ट कर लिया। वही क्रेता भी कहलाता है, वही देनदार भी कहलाता है। देनदार माने कौन, इसका ये ग्राहक है ना, ग्राहक हमेशा देनदार होता है। देनदार माने भगवान, भगवान माने संपत्ति, संपत्ति माने एसेट्स, यानी देनदार को क्या बोलते हैं डेब्टर्स बोलते हैं। तो इतने नाम है इसके, आहारी भी इसका नाम है, यानी लेखक वो जो बिल को लिखता है, स्वीकर्ता वो जो बिल को क्या करता है एक्सेप्ट करता है। अब राम जी कहते हैं अबे गजोदर मलिया चढ़ा दे, यही बहुत फट से चढ़ा दिया और देखिए गाड़ी गायब, गाड़ी गायब क्योंकि गाड़ी गई। अब राम जी कहते हैं मोहन तू जाओ, माल गया मैया गवा तू जाओ, यानी राम जी मोहन को भेज देते हैं जाओ 2 महीना बाद हम लोग मिलेंगे तो तुमसे हम क्या लेंगे पैसा। तो मोहन चला जाता है। तो अब ये बचा कौन, पेई कौन है, मैंने ड्रावर ड्रावी क्लियर कर दिया, आप क्लियर हो गए, ड्रावर वो जो माल बेचता है, ड्रावी वो जो बिल पे दस्तखत करता है। तो पेई कौन है, तो पेई वो व्यक्ति है जो पैसा क्या करता है
पाता है। अब जरूरी नहीं है कि राम जी ही दो महीने के बाद पैसा पाए, अगर राम बीच में इनको कोई प्रॉब्लम आ गई और ये दो महीने से पहले बिल को किसी को भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच कर पैसा ले लेते हैं, तो तीसरा पक्षकार यानी तीसरा साइड इसने पैसा लिया है यानी इनको दिया है और बिल लिया है, वो बंदा दो महीने के बाद जाएगा और मोहन से क्या ले लेगा, पैसा, तो वो बंदा कहलाएगा पेई, या तो दो महीने के बाद राम ही जाकर पैसा लेंगे तो वो कहलाएंगे पेई। यानी पेई वो बंदा है यानी वो पर्सन है जो बिल का फाइनली क्या पाता है, पैसा पाता है। और मोहन के लिए क्या है कि कोई भी बिल लेकर आएगा हम उसको क्या दे देंगे, पैसा। इनको बिल से मतलब होता है बिल, कोई लेके आए, चंगरू मंगरू झंगरू कोई लेके आए, तो कुकुर भी मुंह में दबा के बिल लाएगा ना, तो मोहन बिलवा निकालेंगे और मुंहवा इसे खोलिए पैसा खट से डाल देंगे। यानी बिल लेना है और पैसा देना है, दिल लो और दिल लो, दिल लो और दिल दो वाला सुने ना गाना, तो यानी बिल लेना है और पैसा देना है, इसी थ्योरी पे कौन काम करता है, क्रेता काम करता है और विक्रेता दो महीने का इंतजार करता है। ठीक, यही है ड्रावर ड्राई और पेई। तो आप, मुझे उम्मीद है आप क्लियर हो चुके होंगे बिल आप एक्सचेंज में बिल क्या होता है और एक्सचेंज क्या होता है। अब देखो बिल के होते हैं दो टाइप क्या, एक बीआर और एक बीपी। बीआर होता है एसेट्स और बीपी होता है लायबिलिटीज। क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो ये बीआर बीपी क्या है, देखो जब ये बिल राम को मिला था ना, यानी जब बिल, जब क्रेता ने दस्तखत करके राम को दिया तो राम उस बिल को अपने पास रख लेते हैं, तो जिसके पास ये बिल आता है उसको बोलता है बीआर यानी बिल रिसीवेबल, मेरे पास बिल आ रहा है, और जो बिल देता है वो बोलता है बीपी यानी बिल पेबल, मैंने बिल क्या किया, पे किया। बीपी मतलब क्या, भूत प्रेत नहीं, बीपी मतलब क्या, बिल पे, बिल को मुझे क्या करना है, देना है। ठीक है, इसीलिए इनके लिए लायबिलिटीज होता है मोहन के लिए, और बीआर राम के लिए एसेट्स, क्योंकि ये कागज नहीं है, ये कागज कितने का है, 2 लाख रुपए का ऑथराइज्ड मनी है जो 2 महीने के बाद क्या होने वाली है, कैश होने वाली है। तो क्लियर हो गए आप। इसके बाद इसमें एक और चीज आता है, उसका नाम है गेस ऑफ, नहीं डे ऑफ गेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डे ऑफ ग्रेस यानी अनुग्रह दिन। ये अनुग्रह दिन क्या होता है, तो आपने एक चीज देखा होगा, हम लोग भारतवासी हैं तो हम लोग भारत के लोगों का एक अलग ही ट्रेंड चलता है, ये कितना भी कुछ खा लें, अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में, अच्छा इनको लास्ट में साइड में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। यानी जहां हम लोग पैसा पे करते हैं, जैसे फुल्की के, मान लीजिए फुल्की की दुकान है, गब फुल्की खा रहे हैं, 10 रुपए का 6 फुल्की खा गए, 10 रुपए का 16 फुल्की खा गए, यानी जब भर पेट भर जाता है खाकर, उसके बाद लास्ट में एक और मांगते हैं फ्री वाला, उसे आपका 20 का हो गया मैडम, मैं थोड़ा पानी देना, बोलते हैं घलुआ। इनको घलुआ चाहिए, यानी हर चीज होने के बाद लास्ट में जब तक घलुआ नहीं मिलता है तब तक हम लोग का मन तृप्त होता ही नहीं, यूटिलिटी मिलती ही नहीं है। तो ये घलुआ होता है, यानी डे ऑफ ग्रेस क्या है, घलुआ है। किसका घलुआ है, बिल का घलुआ है। मजा आया, यानी दिनों का घलुआ। जैसे ये देखो 3 दिन का घलुआ मिलता है, यानी अगर बिल 1 अप्रैल में लिखा गया 2 मंथ के लिए तो इसका मेच्योरिटी आएगा 1 जून। यानी अगर 1 तारीख को माल राम ने बेचा है तो राम 1 जून को जाएगा 2 महीने बाद, और 2 जून कैसे निकालेंगे, 1 जून देखो अप्रैल से 2 महीना, 2 उंगली निकाल लो, मई जून, यानी राम गए जून 1 जून को क्या लेने, पैसा। तो इसी 1 जून में 3 दिन और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेच्योरिटी डेट 4 जून। यानी हर बिल के मेच्योरिटी डेट में 3 दिन का और क्या होना, प्लस होना ही क्या कहलाता है, डे ऑफ ग्रेस यानी अनुग्रह दिन। कितने दिन होते हैं, 3 दिन को बोलते हैं अनुग्रह दिन, जो बिल के लास्ट मेच्योरिटी में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो क्लियर हो गया डे ऑफ ग्रेस। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल एक्सचेंज क्लियर, ड्राइवर ड्राइव पे क्लियर, बी आर बी पी क्लियर, डे ऑफ ग्रेस क्लियर। अगर कहीं क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो उम्मीद है आज की थ्योरी आपको समझ में मजेदार तरीके से क्या हो गई होगी, आ गई होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसी थ्योरी आपने इसके पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी समझ में आ गई। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, तो इसके लिए टू बी कंटिन्यू यानी मेरे नेक्स्ट वीडियो का क्या कीजिए, वेट कीजिए, जिसमें आने वाला इसका न्यूमेरिकल। आज की थ्योरी हम करते हैं समाप्त,
और वेट करिए इसके न्यूमेरिकल को। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।